चलो स्टार्ट करते हैं फिर यूनिट वन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मैं बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नेस्ट मायर के बारे में। इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अर्नेस्ट मायर के बारे में आपको ध्यान रखनी कि इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया, जिसमें बालजन प्राइज है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है और क्रॉफोर्ड प्राइज है। अब आधे चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर इंक्रीज एंड मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, दोनों ही सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। अब अगर हम हायर एनिमल और प्लांट की बात करते हैं, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। माउंटेन, बोल्डर और सैंड माउंड, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल के द्वारा होती है और ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में आपको याद करना है प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनियम और मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन होता है, बैक्टीरिया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर एल्गी और अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, म्यूल स्टेराइल वर्कर बीज एंड फर्टाइल ह्यूमन कपल, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के, जितनी भी रिएक्शन चलती है बॉडी के अंदर, उन सारी रिएक्शन को मिला के हम एक साथ मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो लिविंग थिंग नहीं होती, लेकिन लिविंग रिएक्शन इन्हें जरूर कहा जाता है। दीज आर द लिविंग रिएक्शन। सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लाइफ की। फिर अगर हम बात करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोकैरियोट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, तो ये इनके अंदर कॉन्सियसनेस पाया जाता है, तो कॉन्सियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया गया है, जितना भी जीवन हो इंटरेक्शन की वजह से होता है, टिश्यू की प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर इमरजेंट प्रॉपर्टी अपियर होती है हायर लेवल पे, ये आपको याद रखना होगा। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू द वेरिंग डिग्री। बायोडायवर्सिटी की बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडायवर्सिटी है। नेमिंग के प्रोसेस को नॉमनक्लेचर का नाम दिया जाता है, और यहाँ पर हम यूज करते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के बारे में। प्लांट का नाम रखने का जो क्राइटेरिया होता है वो ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर ने दिया। एनिमल के लिए ICZN कोड का यूज किया जाता है, और प्लांट के लिए बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कैरोलस लिनियस दिया था, एनिमल के लिए भी दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में लिखा जाता है, लैटिन में होता है, और इन्हें रिटन लिखा जाता है इटैलिक में। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस को बताता है, और सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों वर्ड को जब हैंड रिटन करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या इटैलिक में प्रिंट करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए इनकी ओरिजिन लैटिन से हुई है। पहला वर्ड जो जीनस को डिनोट करता है कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर से। ऑथर का नेम अपियर होता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैंजी फेरा इंडिका लिन। यहाँ पर लिन इंडिकेट करता है कि ये स्पीसीज लिनियस ने पहली बार डिस्क्राइब की थी। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर के आधार पर बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा में, जिसे हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, तो अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थे ये यूजेस के आधार पर किए जाते थे। सिस्टमैटिक की अगर हम बात करें, तो सिस्टमैटिक में हम डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों को ध्यान में रखते हैं, है ना, दोनों को। सिस्टमा नेचुरी नाम की जो बुक है लिनियस ने लिखी थी, वर्ड सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, और सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक साथ मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम दिया जाता है।
अब यहाँ पर सेवन टैक्सॉन के बारे में आपको बताया गया है, तो सेवन टैक्सॉन में क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखना है। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फैमिली के बारे में, तो फैमिली में रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा के बारे में, तो इन्हें फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। पैंथेरा की अगर हम बात करें, जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं, इसे फेलिस जीनस के साथ फेलिडी फैमिली में रखा गया है। अगर हम डॉग की बात करते हैं, तो डॉग को कैनिडी नाम की फैमिली में रखा गया है। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ऑर्डर ऑर्डर के अंदर फैमिलीज को, ऑर्डर इज द असेंबलीज ऑफ द फैमिलीज। अब जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी फैमिली, इन दोनों को ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा गया, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। इसी तरह कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी फैमिली को प्लेस किया गया है। क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर रखे जाते हैं, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन आते हैं, और ऑर्डर कार्नियोरा, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग आते हैं, मैमेलिया नाम के क्लास में रखा गया। फाइलम की बात करें, तो फाइलम के अंदर इन रिलेटेड क्लासेस को रखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब क्लास हैं जिन्हें रखा गया है कॉर्डेटा नाम के फाइलम के अंदर, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखा गया। और प्लांट में फाइलम की जगह पर डिवीजन टर्म का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा? अब किंगडम की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी एनिमल होते हैं अलग अलग फाइला के, उन्हें हाईस्ट कैटेगरी किंगडम में रखा जाता है, किंगडम एनिमेलिया में, और प्लांट के लिए प्लांटी किंगडम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, किंगडम हाईस्ट कैटेगरी है और जो स्पीसीज है दैट इज द लोएस्ट कैटेगरी। ये आपको यहाँ पर, जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इसे आप कहेंगे असेंडिंग अरेंजमेंट, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो इसे डिसेंडिंग अरेंजमेंट का नाम दिया जाएगा। तो अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। जितना लोअर टैक्सा होगा, जितना लोअर टैक्सा होगा, उतने ही ज्यादा कैरेक्टर मेंबर में सेम होंगे। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर द डिफिकल्टी। जितना हायर टैक्सॉन होगा, उतनी ही ज्यादा दिक्कतें होंगी। फिर यहाँ पर ये टेबल आपको दी गई है, और इस टेबल में कुछ बातें, जैसे मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनडेल, क्लास डाइकोटिलेडोनी, और फाइलम या डिवीजन डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा। वीट में पोएल इसका ऑर्डर हो जाएगा, मोनोकोटिलेडोनी क्लास हो जाएगा, और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन हो जाएगा। हाउस फ्लाई में म्यूसिडी फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा फाइलम, और ह्यूमन की बात करें तो होमिनिडी फैमिली, प्राइमेटा ऑर्डर है, मैमेलिया क्लास है, और कॉर्डेटा इसका फाइलम हो जाएगा। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड। टैक्सोनॉमिकल ऐड में हम बात करते हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब यहाँ पर सबसे पहले हर्बेरियम की बात करते हैं, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है, और हर्बेरियम सीट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम, हर्बेरिया क्विक रेफरल सिस्टम होते हैं। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखा जाता है, और इंडिकेट किया जाता है बॉटनिकल नेम और इसकी फैमिली को। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन दुनिया का रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में सबसे बड़ा, और NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में सिचुएटेड है। म्यूजियम की अगर हम बात करें, तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन को रखा जाता है। यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, कंटेनर या जार में सोल्यूशन के अंदर इन्हें रखा जाता है ना। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, लार्जर एनिमल को स्टफिंग के बाद रखा जाता है, जैसे बर्ड और मैमल हो गए। स्केलेटन को भी यूज किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क को की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल को प्लेस किया जाता है, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल को प्लेस किया जाता है, और जो चिल्ड्रेन होते हैं ये इन पार्क को बहुत पसंद करते हैं, और इन्हें जू का नाम दिया जाता है। ये जू आपको दिखाया गया यहाँ पर। की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं एक पेयर में, जिन्हें कपलेट कहा जाता है। हर स्टेटमेंट को लीड का नाम दिया जाता है। अलग अलग टैक्सोनॉमिक की अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए बनाई जाती है, और कीज का नेचर एनालिटिकल होता है। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ये भी टैक्सोनॉमिकल ऐड है। अगर हम फ्लोरा की बात करें, तो फ्लोरा एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट की इंफॉर्मेशन देती, मैनुअल एक एरिया में पाई जाने वाली सभी स्पीसीज की जानकारी देती है, और मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, द लिविंग वर्ल्ड।